थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, क्रिएटिव थिंकिंग, बॉक्स से बाहर सोचना, रचनात्मक सोच। इन ए स्मॉल इटालियन टाउन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, a small business owner owed a large sum of money to a loan shark. एक छोटे से इटालियन शहर में सैकड़ों साल पहले एक छोटे व्यवसाय के मालिक पर एक लोन शार्क के लिए बड़ी राशि बकाया थी। The loan shark was a very old, unattractive looking guy that just so happened to fancy the बिजनेस ओनर्स डॉटर। लोन शार्क एक बहुत बूढ़ा, अनाकर्षक दिखने वाला लड़का था जो व्यवसाय के मालिक की बेटी को पसंद करता था। He decided to offer the businessman a deal that would completely wipe out the debt he owed him. उसने व्यवसायी को एक ऐसा सौदा देने का फैसला किया जो उस पर बकाया कर्ज को पूरी तरह से मिटा देगा। However, the catch was that we would only wipe out the debt if he could marry the businessman's daughter. हालांकि पकड़ यह थी कि हम कर्ज तभी मिटाएंगे जब वह व्यवसायी की बेटी से शादी कर सकता है। Needless to say, this proposal was met with a look of disgust. कहने की जरूरत नहीं है कि इस प्रस्ताव को घृणा की दृष्टि से देखा गया था। The loan shark said that he would place two pebbles into a bag, one white and one black. लोन शार्क ने कहा कि वह एक बैग में दो कंकड़ डालेगा, एक सफेद और एक काला। The daughter would then have to reach into the bag and pick out a pebble. बेटी को तब बैग में पहुंचना होगा और एक कंकड़ निकालना होगा। If it was black, the debt would be wiped, but the loan shark would then marry her. यदि कंकड़ काला होता तो कर्ज मिट जाता, लेकिन लोन शार्क उससे शादी कर लेता। If it was white, the debt would also be wiped, but the daughter wouldn't have to marry the loan shark. यदि कंकड़ सफेद होता तो कर्ज भी मिट जाता, लेकिन बेटी को कर्जदार से शादी नहीं करनी पड़ती। स्टैंडिंग ऑन अ पेबल स्टोन पाथ इन द बिजनेसमैन्स गार्डन, द लोन शार्क बेंट ओवर एंड पिक्ड अप टू पेबल्स। व्यापारी के बगीचे में कंकड़ बिखरे रास्ते पर खड़े होकर लोन शार्क झुक गया और दो कंकड़ उठा लिए। While he was picking them up, the daughter noticed that he'd picked up two black pebbles and placed them both into the bag. जब वह उन्हें उठा रहा था, बेटी ने देखा कि उसने दो काले कंकड़ उठाए हैं और उन दोनों को बैग में रख दिया है। He then asked the daughter to reach into the bag and pick one. फिर उन्होंने बेटी को बैग में पहुंचने और एक लेने के लिए कहा। The daughter naturally had three choices as to what she could have done. बेटी के पास स्वाभाविक रूप से तीन विकल्प थे कि वह क्या कर सकती थी। Refused to pick a pebble from the bag. बैग से एक कंकड़ लेने से इनकार कर दे। Take both pebbles out of the bag and expose the loan shark for cheating. दोनों कंकड़ को बैग से बाहर निकाले और लोन शार्क को धोखा देने के लिए बेनकाब करें। Pick a pebble from the bag, fully well knowing it was black, and sacrifice herself for her father's freedom. बैग से एक कंकड़ उठाए, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह काला था, और अपने पिता की स्वतंत्रता के लिए खुद को बलिदान कर दी। She drew out a pebble from the bag and before looking at it, accidentally dropped it into the midst of the other pebbles. उसने बैग से कंकड़ निकाला एंड उसे देखने से पहले गलती से उसे अन्य कंकड़ के बीच में गिरा दिया। She said to the lone shark, उसने लोन शार्क से कहा, Oh, how clumsy of me! ओह मैं कितनी अनाड़ी हूँ। नेवर माइंड, इफ यू लुक इन टू द बैग फॉर द वन दैट इज लेफ्ट यू विल बी एबल टू टेल विच पेबल आई पिक्ड। कोई बात नहीं, अगर आप बैग में जो बचा है उसको देखें तो आप बता पाएंगे कि मैंने कौन सा कंकड़ उठाया था। द पेबल लेफ्ट इन द बैग इज ऑब्वियसली ब्लैक। बैग में छोड़ा गया कंकड़ स्पष्ट रूप से काला है। एंड सीइंग एज द लोन शार्क डिडंट वांट टू बी एक्सपोज्ड। और यह देख कर कि लोन शार्क उजागर नहीं होना चाहता था। He had to play along as if the pebble the daughter dropped was white and clear her father's depth. उसे साथ खेलना पड़ा जैसे कि बेटी ने जो कंकड़ गिराया वह सफेद था एंड उसके पिता के कर्ज को साफ कर दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी की नीति। It's always possible to overcome a tough situation throughout of the box thinking. पूरी तरह से सोचने के दौरान एक कठिन परिस्थिति को दूर करना हमेशा संभव होता है। And not giving to the only options you think you have to pick from. और केवल उन विकल्पों में न देख जो आपको लगता है कि आपको चुनना है।